आज आयोजित कार्यक्रम के तहत गांधी युवा मंच ने बिहार सरकार के तत्वाधान में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बुनियादी केंद्र को कहलगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थानांतरण पर रोक लगाने हेतु धरना प्रदर्शन किया। काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ ही लोगों ने बुनियादी केंद्र वापस दो, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो जैसे नारे लगाए। लगातार 4 घंटे के संघर्ष व नारे के पश्चात जिला मैनेजर अलंकार कुमार ने पटना उच्चाधिकारियों से उक्त बुनियादी केंद्र को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया, तब जाकर धरना को समाप्त कर दिया गया। इस आंदोलन में मौके पर गांधी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज यादव, प्रदेश अध्यक्ष विनोद यादव, किसान प्रदेश अध्यक्ष विनोद पांडे, प्रदेश प्रवक्ता ज्ञान देव मौजूद रहे। आज सर यहाँ से हटाने की बात चल रही है सर, ये क्यों सर, ऐसा क्यों? ये जिला का ऑफिस है जो स्थायी है और इसके लिए स्थायी भवन का निर्माण नाथनगर भागलपुर में किया गया है, तो जब वो बनकर तैयार हो गया है और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषान भागलपुर के द्वारा उसको हैंडओवर ले लिया गया है पेपर पे, तो अब इसको वहां ले जाने की बात है। वैसे इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक अनुमंडल में एक एक बुनियाद केंद्र की स्थापना होना निश्चित किया गया है। कहलगांव अनुमंडल के लिए पीरपैंती ब्लॉक परिसर में भवन का निर्माण किया जा चुका है और अब उसका जांच के बाद हस्तांतरण। सर यहाँ पे कुछ समाजसेवी लोग भी बैठे हुए, वो सब रोकने के लिए आपके पास प्रस्ताव दिया गया है, इनके बारे में क्या बात हो रही है ऊपर? देखिए, अभी जनता ने और जनता के प्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन किया है, वो चाहते हैं कि ये बुनियाद केंद्र यहाँ से नहीं जाए। इसके लिए उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। अब इस ज्ञापन को कवर लेटर के साथ मुख्यालय भेजा जाएगा, पटना भेजा जाएगा, भागलपुर भेजा जाएगा, जिससे कि लिखित में इस पे निर्णय लिया जा सके। तब तक के लिए ये निर्णय लिया गया है, ADSS भागलपुर मतलब सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पीरपैंती का बुनियाद केंद्र जब तक शुरू नहीं हो जाता तब तक ये बुनियाद केंद्र यहीं पूर्ववत कार्य करता रहेगा और लोगों को सेवा देता रहेगा। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अलंकार कुमार है, मैं जिला प्रबंधक हूँ सक्षम भागलपुर बुनियाद केंद्र के लिए।